चलो, अब अपन आज की क्लास शुरू करने वाले हैं। तो क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। तुम्हें समझ में आना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए हम पढ़ने वाले हैं। अब तुमने देखा, जब तुम किसी लिक्विड को गर्म करते हो तो हर टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो सरफेस छोड़ के ऊपर चला जाता है। देखो, यहाँ दो चीजें हो रही हैं। यहाँ तुम देख रहे हो कि लिक्विड गर्म हो रहा है, तुमने अपनी स्क्रीन पे देखा, तुम्हें एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें एवोपरेशन हो रहा है और एक जगह पे बॉइलिंग हो रही है। पहले वाले डायग्राम में तुम देख रहे हो एवोपरेशन। एवोपरेशन क्या है? मेनली सरफेस के मॉलिक्यूल, मेनली जो ये सरफेस के मॉलिक्यूल है ये अपने अनबैलेंस फोर्स के कारण या ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के कारण सरफेस छोड़, पोटेंशियल एनर्जी के कारण, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी के कारण सरफेस छोड़ के वेपर फेज में जाते हैं। जबकि तुम बॉइलिंग का डायग्राम देखो तो उसमें अंदर का मॉलिक्यूल पूरा का पूरा लिक्विड, एंटायर लिक्विड पार्टिसिपेट, पूरा का पूरा जो लिक्विड है वही इस प्रोसेस के अंदर तुम्हारा पार्टिसिपेट करने लगता है। तो तुमने यहाँ पे दो चीज देखी कि लिक्विड का एवोपरेशन है, जो नॉर्मली हर टेम्परेचर पे हर लिक्विड का एवोपरेशन है, और इसी का एक केस अपन ने यहाँ पे लिया बॉइलिंग। तो आज हमको जरा बॉइलिंग से रिलेटेड चीजों को समझना है। तो यहां तुमने सबसे पहले देखा कि लिक्विड लिया है। अब अगर तुम किसी लिक्विड को रखोगे तो वो एक प्रेशर लगाएगा। अगर मैं इस कंटेनर को बंद कर दूं, देखो, अब अगर मैंने अभी इस कंटेनर को कवर कर दिया, लिट लगा के मैंने इस कंटेनर को कवर कर दिया, मेरा लिक्विड जो है वो कवर हो गया। तो अब ये जो वेपर प्रेशर लगाएंगे इसको तुम बोलोगे वेपर प्रेशर, ये जो वेपर का प्रेशर होगा इसे तुम बोलोगे वेपर प्रेशर। तो अब तुमने एक चीज यहां पर देखी हुई है कि जब तुम किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वेपर प्रेशर उस लिक्विड का बढ़ता चला जाता है। ये चीज तुमको मैंने पहले भी बताई थी, अभी भी डिस्कस की। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ने लगता है। और कब तक बढ़ेगा भाई? एक स्टेज आएगी कि हमेशा बढ़ते ही चला जाएगा? नहीं, एक ऐसी स्टेज आएगी जहां बढ़ाते बढ़ाते अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर। अंदर का प्रेशर, अंदर का प्रेशर मतलब ये जो वेपर प्रेशर लगा रहे हैं, ये जो वेपर प्रेशर लगा रहे हैं, अगर ये कवर होता तो ये जो अंदर के वेपर का प्रेशर है, ये जो वेपर का प्रेशर है ये बाहर के बराबर हो जाए, ये पी एक्सटर्नल के बराबर हो जाए, तो तुम बोलोगे तुम्हारा लिक्विड जो है वो बॉयल होने लगा। जब अंदर से लगाया हुआ प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए तो तुम बोलोगे कि तुम्हारा लिक्विड बॉयल हो गया, और ये उस लिक्विड का उस टाइम पे मैक्सिमम टेम्परेचर होना है। द बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। वो टेम्परेचर जहां लिक्विड का, वो टेम्परेचर जहां लिक्विड का अंदर का प्रेशर, लिक्विड के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को तुम क्या बोलते हो? बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है तो इसका मतलब ये एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड करेगा। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बाहर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कोई भी लिक्विड होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा? बाहर के प्रेशर। अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो हमें अंदर का प्रेशर ज्यादा करना होगा, तो उसके लिए हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर आएगा, ज्यादा टेम्परेचर आएगा तो हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अगर बाहर का प्रेशर कम है, तो ये दो चीज तुम समझो। जैसे जैसे तुम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो, अगर तुम माउंट एवरेस्ट पे जाते हो, अगर तुम माउंट एवरेस्ट पे जाते हो तो बाहर का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। बाहर का प्रेशर कम हो गया तो अब अंदर का प्रेशर भी तुम्हें बाहर के बराबर करने के लिए कम हीट देनी पड़ेगी, कम टेम्परेचर आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो हायर एल्टीट्यूड पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। हम ऑलरेडी शुरू की क्लासेस में पढ़ चुके, जब हमने क्लैशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ा था, कितना कितना प्रेशर बदलेंगे, कितना टेम्परेचर प्रेशर बदलेगा तो कितना बॉइलिंग पॉइंट बदलेगा, वो क्लैशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से निकला था। अब अगर तुम अंदर सी लेवल पे जाओगे जहां प्रेशर ज्यादा है, तो अब तुम्हें लिक्विड के अंदर के वेपर का प्रेशर भी तो ज्यादा करना होगा।
और जब तुम अंदर के लिक्विड के वेपर प्रेशर को ज्यादा करोगे तो तुम्हें ज्यादा हीट देनी होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बाहर के टेम्परेचर पे डिपेंड। जब कुछ नहीं दिया होता है तो हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट या एटमॉस्फेरिक बॉइलिंग पॉइंट को लेके चलते हैं। देखो जब तुम्हारा बाहर का टेम्परेचर, जब तुम्हारा बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, जब तुम्हारा बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, तो किसी भी लिक्विड के अंदर का प्रेशर गर्म करने के लिए जो तुम हीट दोगे या वो हीट लेगा और वहां का जो टेम्परेचर बनेगा वो कहलाएगा तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट, स्टैंड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट को ही तुम एटमॉस्फेरिक बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट को ही तुमने एटमॉस्फेरिक बॉइलिंग पॉइंट कह देते हो, या तुम इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो, या तुम इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हो। तो पहले तो तुम्हें ध्यान रखना कि जब कुछ नहीं दिया है तो तुम्हें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, मतलब माउंट एवरेस्ट पे जाके नहीं देखना है, पचमढ़ी में जाके नहीं देखना है, तुम्हें समुद्र के अंदर जाके नहीं देखना, उस जगह जहां पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, हीट देने से लिक्विड का टेम्परेचर, जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो, उसे तुम बोलोगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, एनबीपी। हम उसे क्या लिखेंगे? एनबीपी। अब अगर बाहर का प्रेशर तुम 1 बार कर दो, अगर तुमने बाहर का प्रेशर 1 बार कर दिया, अगर तुमने बाहर का प्रेशर 1 बार कर दिया है, तो यू कॉल्ड इट एज स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। देखो दो तरह के बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं। अगर तुमने बाहर का प्रेशर, अब तुमको ये रिलेशन रिजल्ट तो मालूम है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 बार, तो इनमें वैसे बहुत ज्यादा अंतर नहीं, पर हाँ 1 एटमॉस्फेयर 1.01 बार या 1 बार 0.97 एटमॉस्फेयर। तो अगर बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो तुम बोलोगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, और बाहर का प्रेशर अगर 1 बार है तो तुम बोलते हो स्टैंडर्ड पॉइंट। अब नॉर्मली क्या होता है? देखो एवपोरेशन में नॉर्मली सरफेस के मॉलिक्यूल, नॉर्मली ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल है ये राइज करके वेपर की तरफ चले जाते हैं, तो एवोपरेशन मेनली सरफेस से बन रहा है। जबकि जब तुम लिक्विड को बॉइल कर रहे हो तो इस लिक्विड में अंदर एक बबल बन रहा है। ये देखो ये एक लिक्विड के अंदर एक बबल या एक कैविटी बन गई है। इस बबल के अंदर कुछ वेपर्स भरे हुए। अब इस बबल पे जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर दो तरह का होगा, अंदर का वेपर प्रेशर प्लस HDG के कारण लगने वाला प्रेशर, इस लिक्विड में हाई के कारण लगने वाला प्रेशर। तो जनरली तुम बोलोगे कि ये जो चीजें ये नेग्लिजिबल है, ये जो प्रेशर है, ये जो हाइट के कारण प्रेशर है, ये नेग्लिजिबल है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? वेपर प्रेशर, मतलब इस बबल के अंदर वेपर्स भरे हुए हैं जो इस बबल पे प्रेशर लगा रहे हैं। अब अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो एवोपरेशन में क्या हो रहा है कि जो वेपर प्रेशर है वो लेस देन पी एक्सटर्नल है, और बॉइलिंग में क्या हो रहा है कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल। तो अब ये जो लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट में, ये जो बबल बॉइलिंग पॉइंट पे बना है, ये बबल धीरे धीरे यहां से राइज करेगा और यहां जाकर ये बबल तुम्हारा बर्स्ट होगा जब ये सरफेस पे, क्योंकि इक्विलिब्रियम की स्टेज है तो ये नीचे से ऊपर जाएगा और इधर जाकर जब ये बबल बर्स्ट होगा तो पूरा का पूरा लिक्विड वेपर फॉर्म में चला जाएगा। जब ये बर्स्ट हुआ तो एंट्रोपी चेंज यहाँ पे मैक्सिमम होना है। एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डर। देखो पहले वेपोराइजेशन में नॉर्मली धीरे धीरे वो वेपर में बदला था तो एंट्रोपी बढ़ रही थी, एंट्रोपी चेंज मैक्सिमम होगा। अगर पूरा का पूरा लिक्विड वेपोराइज होता है तो तुम्हारा एंट्रोपी चेंज जो है वो मैक्सिमम होगा। तो लिक्विड में बबल बॉइलिंग में पूरा का पूरा लिक्विड पार्टिसिपेट करता है, एवेपोरेशन में मेनली सरफेस के मॉलिक्यूल। तो जब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल राइज करके ऊपर जाते हैं, ऐसा कब होगा? जब इस बबल का प्रेशर, ये वेपर प्रेशर तुम्हारा पी एक्सटर्नल के बराबर हो जाए। ये वेपर प्रेशर अगर तुम्हारा पी एक्सटर्नल के बराबर हो जाए तो तुम्हारा बुलबुला ऊपर चला जाएगा, बुलबुला वहां बर्स्ट होगा और तुम बोलते हो लिक्विड बॉइल हुआ। अगर तुम पानी को देखो तो बाहर का प्रेशर जब 1 एटमॉस्फेयर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर।
ये कहलाता है तुम्हारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर तुम बाहर का प्रेशर एक बार कर दोगे तो तुम्हारा ये बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा, कितना बदलेगा वो तुम इस क्लैशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से निकाल सकते हो। देखो मैंने तुमको क्लैशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन कहा था 2.303 लॉग पी टू अपॉन पी वन डेल्टा एच अपॉन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू। उस टाइम पे डिराइव भी किया था, अभी डेरिवेशन नहीं लाते। तो पी टू इज अ वेपर प्रेशर, पी टू इज वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर टी टू, पी वन इज वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर टी वन। ये है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये है तुम्हारी स्टैंडर्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वैल्यू रख दो तो अगर तुम्हें प्रेशर बदलोगे, बाहर का प्रेशर बदलोगे, तुम्हें अंदर का प्रेशर भी उतना ही करना है, तो यहाँ पे तुम एक्सटर्नल प्रेशर को रखो, यहाँ पर तुम एक्सटर्नल प्रेशर को रखोगे तो तुम बॉइलिंग पॉइंट को निकाल सकते हो, यहाँ पर तुम इस बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं ये सारी चीजें तुमको बता दिए कि लिक्विड जहां पे जाके ऊपर जाता है कोलैप्स होता है, तो पूरा का पूरा लिक्विड जिस चीज में पार्टिसिपेट करने लगता है वो कहलाता है तुम्हारा बॉइल। अब जब तुम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, ये तुम डे वन से पढ़ो, जब तुम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हो तो वो वेपर प्रेशर को कम करता है, और वो वेपर प्रेशर को कम करने के साथ साथ वो वेपर प्रेशर को, अब देखिए ये था मेरा प्योर लिक्विड, ये था मेरा प्योर सॉल्वेंट, और दूसरे वाले में मेरा है सॉल्यूशन, दूसरे वाले में मैंने लिया है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप होगा जो कि लिक्विड लिक्विड के अट्रैक्शन से ज्यादा है, तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम हो जाएगा। रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा, वेपर प्रेशर लोअर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। अब देखो लिक्विड प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को तुम लिख रहे हो टी नॉट बी, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को तुम लिख रहे हो टी नॉट बी, और इस सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को तुम लिख रहे हो टीएसबी। तो टीएसबी, टीएसबी हमेशा टी नॉट बी से बड़ा होगा, टीएसबी हमेशा टी नॉट बी से बड़ा होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि पीएस जो है वो हमेशा पी नॉट से छोटा, यहां पे लगने वाला जो प्रेशर है वो पीएस है, इस टाइम पे यहां जो प्रेशर लग रहा है ये पी नॉट है, यहां पे लगने वाला प्रेशर क्या है, यहां पे लगने वाला प्रेशर है पी नॉट, और इधर पे लगने वाला प्रेशर है तुम्हारा पीएस। तो पीएस जो है वो पी नॉट से कम है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब तुम इन दोनों का जो अंतर होगा वो होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होगा, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का जो अंतर होगा इसे तुम बोलोगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये अंतर मतलब टीएसबी बड़ा है और ये बड़ा है तो तुम इसे बोलते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट की स्टडी, स्टडी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इबुलोस्कोपी, स्टडी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इबुलोस्कोपी। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट की स्टडी तुम करते हो, यहां पर अगर तुम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हो तो स्टडी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इब्युलोस्कोपी, स्टडी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है इसे तुम बोलोगे इब्युलोस्कोपी। और अगर फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ते तो लो टेम्परेचर की तुम बोलते क्रायोस्कोपी। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ रहा है, इसको तुम नापने वाली जो साइंस है वो ब्रांच है वो कहलाती है इब्युलोस्कोपी। तो अब तुमने यहाँ पे देखा, अगर तुम फेज डायग्राम देखो, ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था फेज डायग्राम कि लिक्विड, यहाँ पर देखो तीन फेज तुमको दिख रहे हैं, पहला फेज है तुम्हारा सॉलिड, दूसरा फेज तुमको दिख रहा है लिक्विड, तीसरा फेज तुमको दिख रहा है वेपर। तो यहाँ पर इस वाले एक्सिस पे तुमने प्रेशर लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे तुमने टेम्परेचर लिया। ये जो बोल्ड लाइन है, देखो ये जो बोल्ड लाइन है जिसे अभी मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, ये एक सॉल्यूशन का, ये एक सॉल्यूशन का ग्राफ है, ये एक लिक्विड का ग्राफ है। बोल्ड लाइन जो है एक प्योर लिक्विड या सॉल्वेंट का ग्राफ है, जबकि ये जो ब्रोकन लाइन है मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं
ब्रोकन लाइन जो मैंने अब ग्रीन कलर से तुमको दिखाई है, ये एक सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ये एक सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। तो हर जगह पे ये अंतर यहाँ पे बना हुआ, देखो किसी भी समय लिक्विड से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आ रहा है, और वो जगह जहां वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर होती है। यहां पर तुमने बोला कि अगर पी एक्सटर्नल 1 एटमोसफियर है तो तुम यहां पे बोलते हो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो लाल वाली लाइन, लाल वाली लाइन इस पॉइंट पे मिल रही है, तो लाल वाली लाइन जिस पॉइंट पे मिल रही है इसे तुम बोलोगे टी नॉट बी। जिस जगह पे ये रेड कलर की लाइन सॉल्वेंट की लाइन का प्रेशर बाहर के बराबर हुआ टी नॉट बी, और जिस जगह पे तुम इस लाइन को देखो कि ये जाकर मिल रही है तो ये हुआ तुम्हारा सॉल्वेंट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, तो ये तुम बोलोगे टी एस बी। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा डेल्टा टी बी। तो जब भी तुम पानी में कोई भी सॉल्वेंट को डाल सॉल्यूट को डालते हो, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब मैंने तुमको बोला अगर तुमने कभी सड़क के किनारे अंडे उबालने वाले को देखा होगा, वो पानी में अंडे डालता है और नमक डालता है। The science behind adding the salt, उसको नहीं मालूम कि ऐसा क्यों, वो बोलता है जल्दी बन जाता है अंडा अच्छा होता है, नहीं क्या होता है अंदर का जैसे ही तुमने उसमें नमक डाला बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जब तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा एंड अंडा विल बी प्रिपेयर्ड पोच्ड इन लेसर टाइम। तुम्हारा जो अंडा है वो कम समय में पकेगा और उसमें कम ओवरऑल कम हीट लगेगी, तो वो उसके लिए प्रॉफिटेबल हो जाता है। या तुम इसी तरह से देखो, जब तुम्हारी दादी नानी या तुम लोग दाल बनाते हो तो कुकर में दाल डाला पानी डालो नमक डाल देते हो, मम्मी लोग लॉजिक देती है कि टेस्ट अच्छा आता है, टेस्ट नहीं। वहां पर अगेन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो 100 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। अब 100 डिग्री से ज्यादा हो तो जो तुमने हीट सप्लाई की उसमें फूड स्टफ कम हीट में जल्दी पक जाएगा, कम हीट से जल्दी पकेगा तो फ्यूल इकोनॉमी हो गई। तो जब भी तुम किसी लिक्विड में तुम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ेगा। अब तुम एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड डालो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा, मुझे बताओ। अगर एक लिक्विड में तुम दूसरा लिक्विड मिलाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा, बताओ मुझे। सर बढ़ेगा, बढ़ेगा। अबे गधो, मैंने तुमको क्या पढ़ाया था? मैंने बोला था अगर इमिसिबल है, इमिसिबल पानी और तेल नाइट्रोबेंजीन वाटर, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अगर आइडियल है तो उन दोनों के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट। पर अगर नॉन आइडियल है, पॉजिटिव डिविएशन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, एजियोट्रॉप बनेगा। नेगेटिव डिविएशन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा का एजियोट्रॉप बनेगा। तो लिक्विड में लिक्विड मिलाने की कंडीशन अलग है। हाँ, लिक्विड में अगर एक सॉलिड जैसे कि तुम नमक, जैसे कि तुम यूरिया, जैसे कि तुम ग्लूकोज, जैसे कि तुम शक्कर, जैसे कि तुम फ्रक्टोज, कोई भी सॉलिड नॉन वोलेटाइल को डालते हो तो वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से तुम्हारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से, तो जैसे ही तुम यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, रेट ऑफ वेपोरेशन कम हो गया। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन इस डायग्राम में तुम बोल्ड ग्रीन कलर की लाइन देखते हो, इस लाइन पे वेपर प्रेशर कम हो, तो ये दे रहा है तुम्हारा पीएस। किसी भी पॉइंट पे ये दे रहा है पीएस, ये दे रहा है तुम्हारा पी नॉट। अब हम ये कैलकुलेशन, हमें ये पता लगा कि ये डेल्टा टी बी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अभी मैं इसे प्रूव करूंगा। हमने ये ऑब्जर्व किया कि डेल्टा टी बी जो है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करती है, उनके अमाउंट पे डिपेंड करती है, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, उन प्रॉपर्टीज को तुम क्या बोलते हो? उन प्रॉपर्टीज को तुम बोलते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है
ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए मैंने एक और डायग्राम बना लिया। देखो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक और डायग्राम लिया। यहाँ देखो अब मैंने यहाँ पर एक डायग्राम लिया और मैं इसी डायग्राम के आसपास कैलकुलेशन करता हूँ। इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर लूँ। ये अब देखो ये मैंने यहाँ पे तीन सोल्यूशन लिए। पहला कर्व था सॉल्वेंट वन, दूसरा कर्व था सोल्यूशन वन जिसकी कंसंट्रेशन सी वन, तीसरा कर्व था सी टू। यहां पर सी टू इज मोर देन सी वन। अब अगर सी टू इज मोर देन सी वन है, सी टू इज मोर देन सी वन है, तो सी टू का वेपर प्रेशर की कमी सी वन की वेपर प्रेशर की कमी से ज्यादा है। जिस समय ये बाहर की लाइन को, देखो ये जिस समय ये बाहर की लाइन को टच कर रहे हैं, तो सोल्यूशन वन कहां जाके टच कर रहा है? देखो सोल्यूशन वन कहां जाके टच कर रहा है? वो पॉइंट ए पे टच कर रहा है। प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कहां पे टच कर रहा है? ए पे। सोल्यूशन वन कहां पे टच कर रहा है? बी पे। सोल्यूशन सी कहां पे टच कर रहा है? सी पे। तो टी नॉट, टी वन माइनस टी नॉट, टी एस वन, इसे तुम टी एस वन भी लिख सकते हो, इसे तुम टी एस टू भी लिख सकते हो। एस मतलब सोल्यूशन, जीरो मतलब प्योर सॉल्वेंट। अब जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसको तुमने पी एस वन, तुम्हें डेरिवेशन काम करने में डिराइव कर दे रहा हूं। जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही थी, देखो जहां पर ये से इंटरसेक्ट कर रही है, जिस जगह पे ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये तुम्हारा पी एस टू है। अब मान लिया हमने यहां डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। अब इस पॉइंट पे तुमने माना कि तुम्हारे सोल्यूशन वन और टू दोनों ही डाइल्यूट है, सोल्यूशन वन एंड टू, ये तुमने डाइल्यूट सोल्यूशन मान लिया है। अब अगर डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो एलिवेशन बहुत कम आना है। तो ये जो कर्व है, ये जो कर्व में तुमको लाइन दिखा रहा हूं, ये जो कर्व में मैंने लाइन दिखाई है, ये जो मैंने येलो कलर की लाइनें दिखाई है, ये और पास हो जाएंगी। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन कर्व बीई एंड सी डी आर लीनियर, लगभग ये कर्व कैसे हो जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन के बराबर होंगे लगभग। तो जितना सोल्यूशन, हम पहले से डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए डेरिवेशन, अगर तुम्हारा सोल्यूशन डाइल्यूट होगा तो ये जो कर्व बीई है और कर्व सी डी है, ये कर्व ना होके एक स्ट्रेट लाइन जाएंगे। एंड देयरफॉर ट्राइंगल, अब यहाँ पे दो ट्राइंगल बने, ट्राइंगल ए ई बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी। अब ये दो ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल तुमने यहाँ पर उठाए, कौन से दो ट्राइंगल तुमने उठाए? एक ट्राइंगल तुम्हारा ये बन रहा है, एक ट्राइंगल तुम्हारा ये। दो ट्राइंगल यहाँ पर तुमने ले लिए, ये तुम्हारे दो ट्राइंगल जिनको मैंने हाईलाइट किया। तो ये दो ट्राइंगल एक दूसरे से, ये दो ट्राइंगल एक दूसरे से सिमिलर होंगे। अब अगर तुम्हारे ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी। ये सिमिलर ट्राइंगल की तुमने प्रॉपर्टी लगा दी। अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है, अगर तुम्हारा सोल्यूशन डाइल्यूट है, तो अगर डाइल्यूट सोल्यूशन में तुम लेकर चल रहे हो तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी। अब ए बी की वैल्यू यहां पर क्या है? टी एस वन माइनस टी नॉट, ए सी की वैल्यू है टी एस टू माइनस टी नॉट, ए ए की वैल्यू है पी नॉट माइनस पी एस वन, पी नॉट माइनस पी एस टू। ये इस फिगर से, जो तुम्हारे सामने फिगर बना है उससे तुम्हें ये चीज पता लगी। अब तुम राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पी नॉट से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पी नॉट से डिवाइड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड पे तुमने इसको लिख दिया डेल्टा टी बी वन, इस चीज को तुमने लिख दिया यहाँ पे डेल्टा टी बी वन, और इसको तुमने लिख दिया डेल्टा टी बी टू। ये तुम्हारा डेल्टा टी बी टू है। देखो पहले वाला डिफरेंस तुम बोल रहे हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वन, दूसरे वाले को तुम बोल रहे हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अब ये तो तुम्हारा आएगा पी नॉट
माइनस पी एस वन पी नॉट माइनस पी एस टू। तो अब इससे तो मैथमेटिक्स की कंडीशन लगा के क्या लिख सकते हो, देखो तो डेल्टा टी बी, देखो पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रिलेटिव लोअरिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। व्हाट इज डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, अपन ने राउल्स लॉ में पढ़ा था, ये कहलाता है तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब डेल्टा पी अपॉन पी नॉट क्या होता है, तुम राउल्स लॉ से जानते हो, तुम राउल्स लॉ से जानते हो, तुमने राउल्स लॉ का डेरिवेशन बनाया था, तो तुमने लिखा था डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स वन, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स वन। और तुमने बोला था डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सोल्यूशन अगर तुम्हारे पास यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन है तो तुमने वहां पर ऐसा भी लिखा था डेल्टा पी अपॉन पी एस, डेल्टा पी, ये अपन यहाँ पे डिराइव कर लेते, अपन पुराना लिखा हुआ नहीं, से अपने को राउल्स लॉ से ही काम करना है। तो अब तो तुम्हारा ये चीज क्या हो गई, तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, तो देयरफॉर डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब ये शो करता है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये दिखाएगा कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये डेल्टा टी बी, व्हाट इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डेल्टा टी बी, तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वन, सो डेल्टा टी बी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये जो तुम्हारा डेल्टा टी बी है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब जब तुम यहां पे देखो, अब तुम इसे ऐसा लिखो कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन वन आई वन अपॉन एन वन आई वन प्लस एन टू। ये मैं तुमको मोल फ्रैक्शन लिखना सिखाया था, एन वन आई वन अपॉन एन वन आई वन प्लस एन टू फॉर डाइल्यूट। अगर तुम्हारा सोल्यूशन डाइल्यूट, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर तुम्हारा सोल्यूशन डाइल्यूट है, अगर तुम्हारा सोल्यूशन डाइल्यूट है तो एन वन आई वन की वैल्यू एन टू से बहुत छोटी होगी। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूट के मोल्स ज्यादा, कम सॉल्यूट के मोल ज्यादा लिक्विड की वॉल्यूम में, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, एन वन आई वन प्लस एन टू को तुम लिख सकते हो एन टू, बिग प्लस स्मॉल, बिग प्लस स्मॉल नंबर को तुम यहाँ पे, बिग प्लस स्मॉल नंबर को तुमने, ये जो बिग और स्मॉल नंबर इसको तुमने एन टू लिख दिया। अब देखो इस वाले फॉर्मूले से अब तुमने लिख दिया डेल्टा टी बी, हियर यू राइट डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन वन आई वन अपॉन एन वन आई वन अपॉन एन टू। अब एन वन आई वन यहां देखो, अब तुमको यहां बहुत ध्यान से देखना है, तुम एक फॉर्मूला बना रहे हो, ये डेरिवेशन नहीं तुमको याद करना, तुमने यहां से दो चीजें देखी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब तुम इस एन वन को देखो, तुम इस एन वन को यहां पे लिखोगे डब्ल्यू वन अपॉन एम वन आई वन, एन टू को तुम लिखोगे एम टू अपॉन डब्ल्यू टू, यहां पर तुमने इसको लिखा और ये लगा हुआ है यहां पे प्रोपोर्शनलिटी। अब तुम यहां पर एक और चीज देखो कि तुम्हारी मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी होती है W1 अपॉन M1 इंटू 1000 बाय W2। तो तुम इस W1 अपॉन M1 इंटू 1 बाय W2 को एम डैश अपॉन थाउजेंड लिख सकते हो, तुम इसे क्या लिख सकते हो, एम डैश अपॉन थाउजेंड।
तो यहां से तुम एक चीज देखो, यहां से तुम इस फॉर्मूले में देखो कि यहां आई वन है, इस आई वन को तुम इसको ऐसा लिखो, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डब्लू वन अपॉन एम वन इंटू वन बाय डब्लू टू इंटू एम टू इंटू आई वन. वॉट इज एम टू इन द फॉर्मूला? मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट. अब ये जो चीज है देखो, ये जो चीज तुमको यहीं पे, ये जो चीज मैंने एनसर्कल की है, इसे तुम लिख सकते हो एम एम डैश अपॉन थाउजेंड. यहां देखो तुम इसे लिख सकते हो एम डैश अपॉन थाउजेंड. तुम इस चीज को लिख सकते हो, तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डैश अपॉन थाउजेंड इंटू एम टू इंटू आई वन. अब ये प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्स्टेंट हटाना है. मैं इसको डिराइव कर सकता था, मैं डिराइव नहीं कर रहा है. ये आएगा तुम्हारा जब तुम, ये एम टू कॉन्स्टेंट होता है. वॉट इज एम टू इन द फॉर्मूला? एम टू इज मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट. और सॉल्वेंट का मॉलिकुलर वेट जो है वो नहीं बदलता, सॉल्यूट का बदल सकता है. एसोसिएशन या डिसोसिएशन के कारण सॉल्यूट का मॉलिकुलर वेट बदल सकता है, सॉल्वेंट का नहीं बदलता. तो ये कॉन्स्टेंट है. तो यहां पर अब तुमने देखो क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और एक कॉन्स्टेंट लगाया. यहां पर तुमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और एक कॉन्स्टेंट को तुमने यहां लगा दिया. क्या कॉन्स्टेंट तुमने यहां पर इम्पोज किया, तुम वो देखो, आर टी नॉट बी होल स्क्वायर एम टू अपॉन 1000 डेल्टा एच नॉट वेपोराइजेशन. ये मैं डिराइव कर सकता था, मैं तुम्हारे लिए डिराइव नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हें जरूरत नहीं है. तुमने जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो सारे कॉन्स्टेंट को एक साथ दिया और जो वेरिएबल है वो हो गए तुम्हारे एम डैश आई वन. वॉट इज एम डैश? तो मोलालिटी. वॉट इज एम डैश इन द फॉर्मूला? मोलालिटी. मोलालिटी को तुम लिखते हो एम डैश. अब ये जो कॉन्स्टेंट, ये जो कॉन्स्टेंट है, इनको एक नए कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर दिया. यहां पर जो कॉन्स्टेंट आए उनको एक नए कॉन्स्टेंट से तुम रिप्लेस कर सकते हो. यहां पर जो कॉन्स्टेंट आए उसको एक नए कॉन्स्टेंट से तुमने रिप्लेस किया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम डैश आई. देखो एक फॉर्मूला जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व होना है वो एक फॉर्मूला है. तुम्हें एक चीज समझनी, तो कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं बनेगा. क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, सब एक से होंगे, एक ही फॉर्मूले से सॉल्व होंगे. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बी एम डैश आई वन. अब के बी क्या है, देखो वेयर के बी इज, के बी है तुम्हारा, ये जो के बी है ये है तुम्हारा आर टी नॉट बी. व्हाट इज टी नॉट बी इन द फॉर्मूला? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. व्हाट इज टी नॉट बी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. टी नॉट बी होल स्क्वायर. एम टू क्या है? कॉन्स्टेंट मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन थाउजेंड डेल्टा एच नॉट वेपोराइजेशन. तो इसमें ये सारे कॉन्स्टेंट, इन सारे कॉन्स्टेंट में सिर्फ सॉल्वेंट का एक एम टू आ रहा है, सॉल्वेंट का हीट ऑफ वेपोराइजेशन आ रहा है. देखो जब ये कॉन्स्टेंट तुम देख रहे हो तो ये आ रहा है तुम्हारा मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आ रहा है तुम्हारा हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट. तो देखो तुम इस चीज को, सो इट इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्वेंट. ये एक सॉल्वेंट का कॉन्स्टेंट होगा, के बी एक सॉल्वेंट का कॉन्स्टेंट होगा एंड डज नॉट डिपेंड ऑन सॉल्यूट, डज नॉट डिपेंड ऑन सॉल्यूट. ये सॉल्यूट के नेचर पे या कोई भी सॉल्यूट है उससे इसे कोई लेना देना नहीं. तो ये जो तुम्हारा के बी है, ये जो तुम्हारा के बी है, इट विल बी अ कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट. तो पानी के लिए के बी की वैल्यू अलग होगी, हमको के बी की वैल्यू याद नहीं करनी, या तो हमें क्वेश्चन में दी होगी या उसको निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दी होगी. तो के बी जो है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट, तो बेंजीन का के बी अलग होगा, इथेनॉल का अलग होगा, CCl4 का अलग होगा, टॉल्यूम का, हर लिक्विड का के भी अलग होगा क्योंकि हर लिक्विड का मॉलिकुलर वेट और हीट ऑफ वेपोराइजेशन अलग अलग है. तुम इसको अब देखो, तुम्हें एक और चीज मालूम है कि तुम अगर इसको ऐसा लिख लेते,
अगर तुम यहाँ पे केबी को, यहाँ पर देखो एक न्यूमेरिकल के लिए मैं तुम्हें केबी ऐसा लिख के दे रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल के लिए तुम्हें केबी लिख रहा हूँ आर टी नॉट बी होल स्क्वायर। यहां से एक एक को नीचे ले जाओ, मैं बता रहा हूँ ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि तुमको कुछ कंसेप्ट यहाँ पे लगाने से कहा, तो टी नॉट बी एम टू को यहीं पे रहने दिया, 1000 डेल्टा एच नॉट वेपोराइजेशन अपॉन टी, तुम इसको ऐसा लिख सकते हो। अब ये जो चीज होती है आर, ये जो चीज जो तुमने नीचे लिखी है, इसे तुम बोलते हो एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन। हीट गिवन टू अ सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अपॉन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे तुम हीट देते हो मैथमेटिकली ये चीज एंट्रोपी। तो अब ये हो गया आर टी नॉट बी, अब इसमें स्क्वायर नहीं है, जब तुमने इसे एंट्रोपी के टर्म्स में लिखा 1000 ऐसा। ये जो मैंने यहाँ लिखा है, ये जो नीचे की लाइन में अपन ने लिखा है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में अगर कहीं हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, मैंने नीचे एंट्रोपी के क्वेश्चन दिए तो इसे यूज करेंगे, और अगर नहीं दिए तो इसकी हमें जरूरत नहीं। अब केबी जो है एक सॉल्वेंट का कॉन्स्टेंट है, और इसे तुम बोलते हो इब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हो तुम इसे? इब्यूलो, इब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। तो मैंने तुम्हें क्लास की शुरुआत में ही बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट का स्टडी को इब्यूलोस्कोपी बोलते हो, तो ये इब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट है। अच्छा मतलब व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी? हाँ बोलो बोलो भाई। जो सर ये केबी है, ये अपन सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को फाइंड करने के लिए निकालते हैं? नहीं नहीं, ये एक अलग कोई कॉन्स्टेंट आया ना, यहाँ इतने सारे कॉन्स्टेंट थे, देखो इस फॉर्मूले में यहाँ पे इतने सारे कॉन्स्टेंट थे, ये बहुत सारे कॉन्स्टेंट थे, तो इनको हटा के एक नया कॉन्स्टेंट लिख दिया केबी। केबी कहलाता है इब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। तो इससे बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो आप कहीं और से निकालोगे, बॉइलिंग पॉइंट तो आप लिक्विड का थर्मोमीटर लगा के निकालोगे कि कितने टेम्परेचर पे लिक्विड के अंदर का प्रेशर बाहर के बराबर है, वो तुमने नाप दिया। और जो ये डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसको तुम नापते हो बैकमेंस थर्मोमीटर। तो डेल्टा टीबी को तुम नापते हो एक डिफरेंशियल थर्मोमीटर जिसका लीस्ट काउंट बहुत कम होता है, और वो को क्या कहलाता है? तुम्हारा बैकमेंस थर्मोमीटर। अच्छा अब मुझे बताओ व्हाट इज यूनिट ऑफ केबी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी? केबी का यूनिट क्या होगा? तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करते हो किसकी जरूरत पड़ेगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी बता सकते हो? देखो एक तो इससे निकाल सकते हो, तुमको अगर यूनिट ऑफ केबी निकालना है तो या तो तुम इससे निकाल दो, आर का यूनिट रखो, टी नॉट का रखो, एम का रखो, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, या तुम हीट निकालने के लिए तुम इसको देखो, यूज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम डैश आई वन। अब अगर मैं एम डैश को वन कर दू एक्सपेरिमेंट, अगर पुट एम डैश इज इक्वल टू वन मोलाल, नहीं अभी यूनिट निकालना है, पहले अपन यूनिट निकाले फिर उसकी बात करेंगे। अब देखो तुम्हारा के बी क्या हो गया, इस वाले फॉर्मूले में तुमने देखा के बी हो गया तुम्हारा, के बी हो गया तुम्हारा डेल्टा टी बी अपॉन एम डैश आई वन। अब आई वन का तो कोई यूनिट नहीं है क्योंकि वो तो वेंट ऑफ फैक्टर है, वो प्योर रेशियो है। अब देखो टी बी का, इसका यूनिट क्या होगा? डेल्टा टी बी केल्विन। डेल्टा टी बी का यूनिट क्या होगा? केल्विन। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी बी जो है वही तो टेम्परेचर डिफरेंस है। Yes, ये जो है ये डेल्टा टी बी वन, ये जो है डेल्टा टी बी टू, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हो गया केल्विन। अब देखो मोलालिटी का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलालिटी? तो तुम्हारा मोलालिटी होता है एन वन अपॉन डब्लू टू मोल्स। व्हाट इज विल बी इट्स यूनिट? मोल्स पर केजी। व्हाट इज अ यूनिट ऑफ मोलालिटी? मोल्स पर केजी। अब देखो यहां पर देखो यूनिट क्या बन गया, what will be the unit of, what will be the unit of kb? तो ये हो गया केल्विन पर मोलर। क्या हो गया यूनिट? केल्विन पर मोलर। देखो तो kb का एक यूनिट तुम लिखोगे केल्विन पर मोलर, केल्विन पर मोलर।
अब मोलालिटी का यूनिट होता है, मोलालिटी का यूनिट तो या तो तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो और कैल्विन पर मोल पर केजी, तो ये हो गया कैल्विन केजी पर मोल। देखो तुमको एग्जाम में ये ध्यान रखना है यूनिट ऑफ केबी, बहुत सारे बच्चे यहां परेशान होते हैं यूनिट ऑफ केबी, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ केबी, तो यूनिट ऑफ केबी इज कैल्विन केजी पर मोल, यूनिट ऑफ केबी इज कैल्विन केजी पर मोल, या तो तुमको एग्जाम में ये दिया होगा या तुमको ये दिया होगा, ये निकाल सकते। अब देखो केबी क्या है, पहले तुम यहां देख लो केबी क्या है, तो वास्तव में केबी है आर टी नॉट बी, देखो आर टी नॉट बी एम टू 1000 अपॉन हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आर टी नॉट बी एम टू 1000 हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आर टी नॉट बी एम टू 1000 एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन। पर अब अगर तुम इस डेफिनेशन को देखो कि एक्सपेरिमेंटली तुम डेल्टा टीबी को कैसे डिफाइन करोगे, देखो तो तुमने यहां पे लिखा है कि हाँ बोलो केजी होगा कि लीटर होगा, क्या मोलालिटी में वेट आता है, एक मोलालिटी में देखो बेटा क्या आते हैं नीचे, क्यों अपनी याददाश्त भूल जाते हो, मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स पर केजी वेट, मोलालिटी में आएगा लीटर, यहाँ तो मोलालिटी है ना, तो फॉर्मूले अच्छा, हाँ, मोल्स पर केजी, तो यहां पर आएगा मोल्स पर केजी। अब देखो ये तुमने लिया डेल्टा टी बी के बी एम डैश आई पुट एम डैश इज इक्वल टू वन मोलर, मतलब वन मोलर सोल्यूशन, तुमने किसी भी चीज का एक मोलर सोल्यूशन ले लिया, आई वन इज इक्वल टू वन फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब तुमने बोला कि भाई मैंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, जैसा कि तुम्हारा बेंजीन है, जैसे तुम्हारा ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, यूरिया है, शुगर है, जो एसोसिएट डिसोसिएट नहीं है, जब तुम ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारा डेल्टा टी बी आ जाएगा के बी के बराबर, तुम्हारा डेल्टा टी बी किसके बराबर आ जाएगा, के बी के बराबर। तो तुम यहां पर बोलते हो के बी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वन मोलर सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वन मोलर सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तुम एक्सपेरिमेंटली केबी को तुम कैसे नापते हो, एक्सपेरिमेंटली तुम केबी को नापते हो, अगर तुमने एक सोल्यूशन लिया, एक्सपेरिमेंटली तुम सोल्यूशन सोल्यूशन लिया जिसमें एक मोल नॉन इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बनाया और उसका जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा वो डिफरेंस तुम्हारा केबी के बराबर आया। तो अब तुम यहां पे देखो केबी को क्या बोलते हो, जनरली तुम बोलते हो केबी को मोलल, मोलल इब्युलोस्कोपिक कांस्टेंट, एक मोलल सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एक मोलल सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ोतरी के इंक्रीमेंट के एलिवेशन के बराबर चीज को तुम केबी बोलोगे। एक मोलल सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, तो तुमने पहले पानी का बॉइलिंग पॉइंट नापा 100, अब उसमें तुमने एक मोल यूरिया को 1 किलोग्राम पानी में घोला और इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नापा, सपोज वो आया 101.2, तो अब दोनों का अंतर कितना हो गया 101.2 माइनस 100 मतलब 1.2, ये जो 1.2 है ये एक मोलर सॉल्यूशन को, तो केबी वाटर का केबी कितना हो गया 1.2, तो किसी भी सॉल्यूशन का जो तुम केबी निकालोगे, किसी भी सोल्यूशन का जो तुम केबी निकालोगे वो तुमको मालूम है केबी ऑफ वाटर। देखो केबी ऑफ वाटर होता है 0.52, व्हाट इज द केबी ऑफ वाटर, केबी ऑफ वाटर इज 0.52। अब तुमको ये याद नहीं करना, ये तो तुम्हें हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा केबी ऑफ वाटर इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ये वाटर के लिए है, ये तुम्हारा वाटर के लिए है, जबकि बेंजीन के लिए तुम्हारा केबी होता है 2.53। देखो ये तुम्हें याद है केबी ऑफ बेंजीन इज 2.53 केल्विन केजी पर मोल, तो अलग अलग सॉल्वेंट के लिए, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू भी अलग अलग होगी।
अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो CCl4 का केबी ये तुमको हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, यस कुरिंग 5.02 केल्विन केजी पर मोल। तो अलग अलग सॉल्वेंट के लिए, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए तुम्हारे केबी की वैल्यू अलग अलग होगी। और वैसे निकालने का फॉर्मूला ये देखो, केबी निकालने का फॉर्मूला क्या है तुम्हें ये रटना है, ये फॉर्मूला तुम्हें रटना है क्योंकि तुम इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, तुमसे ये फॉर्मूला पूछा जाता है, ये फॉर्मूला तुम्हें रटना है। और एक्सपेरिमेंटली केबी क्या होता है, तो अभी देखो तुम्हें पता है एक्सपेरिमेंटली केबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अब जब तुम एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोलर सोल्यूशन लोगे, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उसको तुम बोलोगे, जो अंतर आएगा उसको तुम बोलोगे केबी। समझ में आया यहां तक की चीज, बताओ मुझे हाँ या ना। सत्येंद्र समझ में आया? यस सर। शिवम यस सर। आयुष नागर समझ में आ रहा है? चलो अब अपन आगे बढ़ो। हाँ बोल आयुष नागर, समझ में आ रहा है ये? अब यहां से देखो, मैं तुमको लो यहां से तुमको सिर्फ क्या चीजें याद करनी है, अगर तुम एग्जाम के लिए बात करो कि करना क्या है, तो एक डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, एक क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा पॉइंट, डेल्टा टीबी इज केबी एम डैश आई वन, केबी होता है, ये तुमको रटना है, ये बड़ा फॉर्मूला तुमको रटना है, आर टी नॉट बी होल स्क्वायर एम टू डेल्टा एच नॉट वेपोराइजेशन इन 2000। ये सिर्फ तुमको ध्यान रखना है, केबी का यूनिट, इसका यूनिट होगा केल्विन केजी पर मोल। हाँ बोल भाई, बोलो, आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहा है? नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा है, चलो कुछ, तो ये सिर्फ दो चीज इतनी देर पढ़ने में सिर्फ इतना ही चीज तुमको याद रखनी है। हाँ अगर फेज डायग्राम देता है ये सब है, वो तुम्हारी जनरल नॉलेज, तो सिर्फ इतना, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा तो ये जो सर्कल के अंदर फॉर्मूले देखे इन्हीं से होना। अब और थ्योरी की अगर हम बात करें, तो अब मैं बात करता हूँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पर अगर मैं एक टर्म लेके आता हूँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे पहले समझे कि फ्रीजिंग क्या है। फ्रीजिंग इज अ फेज ट्रांजिशन वेयर लिक्विड टर्न इनटू सॉलिड। फ्रीजिंग वो जगह है जहां पे लिक्विड सॉलिड में बदलता है, मतलब वो जगह जहां पे लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं, लिक्विड और सॉलिड एक जगह पे रहते हैं। अब तुम देखो फ्रीजिंग को अगर मैं डिफाइन करूं, तो यहां पे तुम डायग्राम देखो, ये जो डायग्राम है, ये जो फेज डायग्राम है, ये फेज डायग्राम में ये जो लाइन है ये सॉल्वेंट के लिए, तो जिस जगह पे तुमने फेज डायग्राम देखा, जिस जगह पे लिक्विड और सॉलिड साथ साथ इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तो तुम उसको बोलते हो फ्रीजिंग पॉइंट। तो बहुत सारे सब्सटेंस के लिए फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जनरली सेम है, बहुत सारे कुछ आप डिफरेंसेस है वो हमें नहीं पढ़ना, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्योर सॉल्वेंट के लिए वो टेम्परेचर जहां पे लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में हो, लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में हो, और जब ये लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में होंगे, तो रेट ऑफ फ्रीजिंग विल बी इक्वल टू रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे, तो यहां पे दो चीजें हो रही हैं, कि लिक्विड जाके वाटर में बदल रहा है, सॉलिड में बदल रहा है, और सॉलिड जाके लिक्विड में बदल रहा है। इन दोनों का रेट, rate of solidification is equal to rate of melting. वो temperature जहां पे rate of solidification is equal to rate of melting हो जाता है, उस temperature को freezing point बोलते हो।
तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर? जीरो डिग्री. वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? जीरो डिग्री 273 केल्विन. वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट इतना है. फ्रीजिंग पॉइंट जो किसी भी सॉल्वेंट का है वो उसके उसका प्योर सॉल्वेंट का उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि उसमें कितना फोर्स और अट्रैक्शन है, क्या है. अब जब तुम इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देते हो तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कर रहा है? वेपर प्रेशर को कम कर रहा है. जब तुम किसी लिक्विड में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हो वो उसके वेपर प्रेशर को कम कर रहा है, और उस वेपर प्रेशर के कम होने के कारण लिक्विड विल फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर. देखो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ, जब इसका वेपर प्रेशर कम हुआ तो लिक्विड का ये जो ग्राफ है सॉलिड लिक्विड वाला, ये जो सॉलिड और लिक्विड वाला ग्राफ है वो लोअर टेम्परेचर पे आएगा. तो ये जो अंतर है यहां देखो, ये जो तुमने अंतर नापा है, ये जो डिफरेंस तुमने नापा है, ये डिफरेंस जो है टेम्परेचर का, ये कहलाएगा तुम्हारा डेल्टा टीएस. तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम है. बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और फ्रीजिंग पॉइंट कम है. सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम है. तो आप सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को तुम लिख देते हो TFS, और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को लिखते हो तुम T0F. क्या लिखते हो T0F? तो T0F माइनस TFS इज डेल्टा TF, और ये कहलाता है तुम्हारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ये चीज तुम्हारी कहलाती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. इसको तुम बोलते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है, और इसे तुम बोलते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग. क्या बोलते हो तुम इसे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ये कहलाता है तुम्हारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो इस चीज को तुम क्या बोलते हो? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अब देखो, जब तुम किसी लिक्विड का सॉल्वेंट बनाओगे, तुमको यहां पे ध्यान से देख के समझना है, जब तुम सॉल्यूशन को फ्रीज करोगे तो देखो, पहले तो मैंने बोला प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है. तो प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब लिक्विड से पहली बार सॉलिड निकल के बाहर आता है. मतलब तुम पानी को ठंडा करो, तुम यहां पे समझो, जब तुम पानी को ठंडा करते हो, जिस टेम्परेचर पे पहली बार पानी में से बर्फ निकल के, पानी और बर्फ बनते हैं और वो दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो उसको तुम क्या बोलोगे? फ्रीजिंग. अब तुमने पानी में शक्कर डाल दी और तुम शक्कर के पानी को ठंडा कर रहे हो, तो अब तुम ठंडा कर रहे थे, तुम 10 डिग्री पे थे, तो तुम 10 से पहुंचे 0, 0 से तुम जैसे ही तुमने टेम्परेचर कम किया, सपोज -1 पे पहली बार शक्कर के पानी में से पानी निकल के सॉलिड, शक्कर के पानी में से शक्कर का सॉलिड नहीं बना, किसका सॉलिड बन रहा है? पानी का, बर्फ निकल रहा है. शक्कर जो है वो घुली हुई है लिक्विड के अंदर. तुम्हें यहां पर ये समझना होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब तुम किसी लिक्विड को ठंडा करते हो तो उसमें घुला हुआ सॉल्यूट वो लिक्विड में ही या वो सॉल्यूशन में ही रह जाता है, और उसका जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड बन जाता है. तो जो सॉल्यूट का वेट पहले था वही सॉल्यूट का वेट बाद में, जो सॉल्यूट का वेट पहले था वही सॉल्यूट का वेट ठंडे होने के बाद होगा. पर अब खेल क्या होगा कि जो सॉल्यूट है वो कम मात्रा में से उसकी मोलालिटी बढ़ गई है. तो सॉल्यूशन का ऐसा कोई फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, क्योंकि तुम उसे और ठंडा करोगे उसमें से और पानी निकल के बाहर आ जाएगा, तुम उसे और ठंडा करोगे उसमें से और सॉल्वेंट निकल के सॉल्ट बन जाएगा और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है. हम सॉल्यूशन के लिए बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब पहले सॉलिडिफिकेशन बनना शुरू होता, उसी पॉइंट पे तुम उसे क्या बोलते हो? फ्रीजिंग पॉइंट.
अब देखो तुमने कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को एजियोट्रॉप बोला था, इस तरह से जब तुम कूल करते हो दो लिक्विड मिलके एक सॉलिड या कांस्टेंट कंपोजिशन का मिक्सचर बनाते हो तुम इसे यूटेटिक मिक्सचर बोलो। ये मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा जब तुम्हें मेटलॉजी में पैटिंसन रूल डीसिल्वरिफिकेशन पढ़ाऊंगा तब तुम्हें बताऊंगा कि यूटेटिक मिक्सचर क्या है, अभी तो यहाँ जरूरत उसकी है नहीं। तो अब तुम यहाँ पे क्या देख रहे थे कि जब तुमने इसको कूल किया ये रहा, अब जैसा डायग्राम तुमने एलिवेशन के लिए बनाया था वैसे ही डायग्राम तुमने किसके लिए बना लिया, डिप्रेशन। तो यहां पर तुम लिखोगे डेल्टा टी ए फेज, जब तुम डिराइव करोगे डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, तुमने यहां पे लिखा कि डेल्टा टी ए फेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटेड, जैसा तुमने बॉइलिंग के लिए डिराइव किया था सिमिलरली यू डिराइव फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब तुम इसे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लिख सकते हो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आर टी नॉट एफ होल स्क्वायर एम टू एंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन। जब तुम सॉलिड से लिक्विड, जब तुम सॉलिड से यहां पर आएगा सब्लिमेशन, यहां पर आएगा फ्रीजिंग, यहां पर आएगा एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्रीजिंग 1000 एम डैश आई वन। मैंने फॉर्मूले में आई वन, तुम्हारी किताब में आई वन नहीं होगा। अब तुम इस पूरे को, ये जो पूरा टर्म है ये कांस्टेंट, ये जो पूरा टर्म है ये कांस्टेंट है, इसको तुम एक नया कांस्टेंट लिखते हो के एस। बॉइलिंग पॉइंट में तुम इसे के बी लिखते थे, यहां पर तुम इसको क्या लिखते हो के एफ। के एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, वॉट इज योर के एफ, तो के एफ इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। केएफ क्या है तुम्हारा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। ये जो केएफ है ये होता है तुम्हारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब वहां पर बोला तो तुमने एक मोलल, तो तुम इसे बोलोगे मोलल, यहां पर तुम इसे बोलोगे मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जो तुमने एलिवेशन के लिए डेरिवेशन में सीन है, यूनिट ऑफ केएफ क्या होगा भाई, तो यूनिट ऑफ के एफ होगा केल्विन केजी पर मोल। केबी का भी यूनिट यही था, तो केबी के एफ जो है वो सॉल्वेंट के कांस्टेंट है। केबी के एफ जो है वो किस चीज के कांस्टेंट है, तो केबी के एफ इज द कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट, सॉल्यूट के कांस्टेंट नहीं है। केबी के एफ जो है वो सॉल्यूट के कांस्टेंट नहीं है, सॉल्यूट से उनका कोई लेना देना नहीं है। They are constant for a solvent. ये एक solvent के constant है, मतलब अलग अलग solvent के लिए इनकी value अलग अलग होगी। अब delta TB elevation of depression को नापने के लिए तुम अलग अलग unit methods भी use करते हो, जैसे Landberger method is used for एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो साइंटिस्ट ने यूज किया, तुम्हें नाम ध्यान रखना है। लाइनबर्गर्स मेथड इज फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कॉटरेल्स मेथड इज फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हिटलर मेथड इज फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग। अब बैकमैन्स मेथड जो है, इट इज फॉर डिप्रेशन डेल्टा टी, ये किस चीज को नापता है, डेल्टा टी एफ। रास्ट मेथड क्या नापता है, डेल्टा टी एफ। ये तीनों मेथड क्या नापते हैं, तुम्हारे डेल्टा टी बी। एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होते हैं जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, अपने को उनको नहीं पढ़ना है, तो इन मेथड्स में हम क्या करते हैं, तो इन मेथड्स के अंदर हम एलिवेशन या डिप्रेशन को नाप लेते हैं। यहाँ पे नाप लेते हैं। अब तुमको यहाँ पे समझना है कि तुम इस एलिवेशन और डिप्रेशन को नापने के लिए एक थर्मोमीटर यूज करते हो। ये थर्मोमीटर कहलाता है तुम्हारा बैकमैन्स थर्मोमीटर। देखो नॉर्मल टेम्परेचर नापने के लिए तुम एक सिंपल थर्मोमीटर यूज करते हो, ये दो थर्मोमीटर को जोड़कर एक थर्मोमीटर बनाया जाता है, तो ये डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ को नापता है। ये किसको नापता है, डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ, इसे नापने के लिए तुम बैकमैन्स के थर्मोमीटर को यूज करते हो। इसे नापने के लिए तुम यहां पर क्या यूज करते हो, बैकमैन्स का थर्मोमीटर। तो अब तुमने आज की क्लास में क्या देखा, तो तुमने आज की क्लास में देखा कि दो चीजें हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा क्या हो रहा है तुम्हारा, डिप्रेशन इन
फ्रीजिंग। अब देखो ये फॉर्मूला था एलिवेशन, अब देखो ऐसे ही फॉर्मूला तुम डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बना। क्या फॉर्मूला बन रहा है, पहले तुम यहां देखो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, डेल्टा टी एफ इज के एफ एम डैश आई वन। के एफ एक सॉल्वेंट का कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू देखो आर टी नॉट एफ होल स्क्वायर एम टू हीट ऑफ, अब देखो यहां पे हीट ऑफ फ्यूजन आएगी, यहां पर क्या आएगा हीट ऑफ फ्यूजन इन 2000, हीट ऑफ फ्यूजन इन 2000। इस फॉर्मूले में यहां पर आएगा हीट ऑफ फ्यूजन इन 2000, जब हमने ये फॉर्मूला बनाया तो इसमें आएगा हीट ऑफ फ्यूजन मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा एलिवेशन और डिप्रेशन का बन गया, ये फॉर्मूला तुम्हारा किसका बन गया एलिवेशन और डिप्रेशन। तो अब देखो न्यूमेरिकल सिर्फ इन दो क्वेश्चन फॉर्मूले से है, हाँ कोई एकाध न्यूमेरिकल इस बड़े फॉर्मूले से होगा अगर कहीं इसकी जरूरत पड़ रही है, अदरवाइज हमारे सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो इन दो एक से फॉर्मूला, इससे नहीं कोई फॉर्मूला नहीं होगा, इससे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, इससे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, ये सिर्फ एक फैक्ट है। क्वेश्चन तो नंबर टू फॉर्मूले से, क्वेश्चन जो है वो नंबर टू फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा, कोई भी जो न्यूमेरिकल है वो नंबर टू फॉर्मूले से ही सॉल्व होना है। अब मैं तुमको क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए, कुछ मैं यहां कराऊंगा और कुछ तुमको घर पे, देखो कम से कम यहां पे जब तुम्हें आज असाइनमेंट मिलेगा तो तुम देखो इस असाइनमेंट में तुम्हारे पास 18-19 क्वेश्चन है एलिवेशन के, देयर आर 19 न्यूमेरिकल ऑन एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑलमोस्ट कितने ऑलमोस्ट कंफर्म बता रहा हूं 20 क्वेश्चन है डिप्रेशन, तो 38 क्वेश्चन एक ही जैसे फॉर्मूले से। मैं एक दो तुम्हें सॉल्व करके बता देता हूं कि हाँ, अब देखो तुम बॉइलिंग पॉइंट किससे बढ़ेगा, तुमको एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो मैं ऑब्जेक्टिव के लिए बता दे रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन किससे होगा, बॉइलिंग पॉइंट कैन बी एलिवेटेड, अब देखो किसी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस बाय एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, पर जो तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट है बाय एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और लिक्विड कोई दूसरा लिक्विड भी तुम अगर यहां पर मिलाओगे तो तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए, तो तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। या तो तुम यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले लो और लिक्विड ले लो और इवन एयर भी तुम इसमें ऐड करोगे तो तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाएगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब तुम यहाँ पे देखो, तुम पानी में अगर तुम वाटर में ग्लिसरीन को मिलाओगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट लेस देन 0 डिग्री होगा, और मतलब ये नेगेटिव में होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होगा नेगेटिव होगा, और कितना नेगेटिव होगा ये डिपेंड करेगा कितनी मात्रा में तुमने ग्लिसरीन मिला। तो तुम देखो यूरोपियन कंट्रीज जहां पे बहुत ठंड पड़ती है वो ग्रीन वेजिटेबल को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर ग्लिसरीन स्प्रे कर देते हैं। अब तुम पानी में नमक डालो, अगर तुम पानी में नमक डालोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट नेगेटिव होगा। अब जितना नमक डालोगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट नेगेटिव होगा। तो तुम देखो जो कुल्फी बनाता है, जो व्यक्ति कुल्फी बनाता है मटके में, वो एक मटके में बहुत सारा बर्फ लेता है और फिर उसमें फिर उसमें वो नमक डाल देता है। अगर वो मटके में सिर्फ बर्फ लेता तो मटके के अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री होता, क्योंकि बर्फ तो 0 डिग्री पे पिघलना शुरू हो जाता है, तो 0। पर जब तुमने नमक डाला तो डिप्रेशन हुआ। अब तुमने नमक जितना डाला तो उसका -1, -2, -5 या इवन -15 तक टेम्परेचर हो सकता है। तो विदाउट यूजिंग रेफ्रिजरेटर उसने अपने मटके का टेम्परेचर -5 या -6 डिग्री कर दिया। अब जैसे ही उसमें वो कुल्फी का स्टफ अपने सांचे से भर के डालता है
तो कम टाइम में उसकी कुल्फी बन जाती है, या जो ऑलरेडी फ्रीज कुल्फी है वो बहुत लंबे समय तक ठंडक बनी है तो वो पिघल नहीं रही है। तो साइंस बिहाइंड एडिंग सॉल्ट टू आइस इज टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसी बात का उपयोग होता है यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज या अपने कश्मीर में, जब बहुत बर्फ गिर जाती है तो सड़कों पे बिछी हुई बर्फ को हटाने के लिए तुम उसमें नमक डालते हो, जैसे ही तुम उसके ऊपर नमक डालते हो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, बाहर का टेम्परेचर अगर कुछ 0 डिग्री के करीब है या 0 डिग्री तो वो पिघलना शुरू हो जाती है। तो नमक मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट जो है, नमक मिलाने से जो तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। अब तुम्हारे पास ऐसे कुछ क्वेश्चन आने, यहां देखो, अब अगर तुम्हारे पास आया 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया बॉइल्स एट दिस, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर। अब तो इस क्वेश्चन में तुम्हें के बी नहीं दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में तुमको के बी की वैल्यू नहीं दी है। तुम यहां क्वेश्चन ध्यान से देखो, 1 मोलर यूरिया, अब पहले इस इंफॉर्मेशन से तुमने इससे लिखा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम डैश आई वन। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो डेल्टा टी बी तुम यहां निकालोगे 100.52 माइनस 100, दैट विल बी 0.52। ये लिखा तुमने यहां पे 0.52, के बी तुमको नहीं मालूम, एम डैश तुमको क्वेश्चन में दिया है 1 मोलर, ये लिखा तुमने 1। अब यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो 1, तो के बी की वैल्यू आ गई 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ये इंफॉर्मेशन। अब दूसरा पार्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में देख 1 मोलर केसीएल सोल्यूशन, अब देखो यहां पर तुमको बोल रहा है 1 मोलर केसीएल सोल्यूशन ए पार्ट। अब अगर तुम इसे ए पार्ट के लिए सॉल्व करोगे 1 मोलर, तो तुमने यहां पे लगा दिया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम डैश आई केसीएल। अब मैं तुमको बता दें केसीएल का वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा, 1+α। केसीएल का वेंट ऑफ फैक्टर होगा 1+α। ये मैं तुमको शुरू में सिखा दिया था वेंट ऑफ फैक्टर की क्लास में, अगर मिस की है तो जाके उसको यूट्यूब पे देख लो, तुम्हें ये क्लास मिल जाएगी कैसे तुमको वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है। अब केबी की वैल्यू, केबी की वैल्यू है 0.52, केबी की वैल्यू है 0.52, एम डैश की वैल्यू है 1, और अब अल्फा की वैल्यू भी 1 दी है, क्योंकि 100% आयोनाइज है तो अल्फा 1, 100% आयोनाइज है तो अल्फा 1, 100% आयोनाइजेशन का मतलब है अल्फा की वैल्यू 1 है। तो ये कितना आ जाएगा 0.52 इंटू 2 1.04। ये आया तुम्हारा डेल्टा टीवी। देखो बच्चा क्या गलती करता है समझना, तुमको क्या निकालना है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब बॉइलिंग पॉइंट को तुम कैसे लिखोगे, देखो यहां पे तुम समझो कि तुमने यहां तक तो सॉल्व कर लिया, अब तुम डेल्टा टीवी को लिखोगे टी एफ बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू 1.04। अगर वाटर है तो इसको देखो यूनिट केल्विन में है या डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये तुमने लिखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड टी एफ बी 1.04, तो टी एफ बी आ गया तुम्हारा 101.04। कितना आ गया तुम्हारा ये डेल्टा टी एफ 100.04। इसको तुमने यहाँ पे वैल्यू को रख दिया है। अब तुम बी पार्ट निकाल सकते हो, बी पार्ट में तुम्हें बी पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, देखो तुम्हें बी पार्ट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनेट। अब देखो तुमने अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं पढ़ा, तो फेरिसाइनेट होता है K3FeCN6, ये मुझे देना चाहिए, नहीं मालूम है तो तुमको ये देखो फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनेट K3FeCN6, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर होगा 1+3α, और अल्फा यहाँ पे दिया है 1/2, 50% ऑफ अल्फा का मतलब 1/2, 1+3 × 1/2 2.5। व्हाट इज द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर पोटेशियम फेरिसाइनेट 2.5। बस अब तुमको कुछ नहीं करना,
व्हाट इज अ वेंट ऑफ फैक्टर फॉर पोटेशियम फेरिस, जिन लोगों को वेंट ऑफ फैक्टर नहीं आता, शुरू तीसरे चौथे नंबर के लेक्चर में मैंने तुमको वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ाया है, फोर्थ नंबर के लेक्चर को एक बार रिव्यू कर लो आखिरी आखिरी का, तो तुम्हें वेंट ऑफ फैक्टर मिल जाएगा। अब डेल्टा टी एफ बी इज के बी इंटू एम डैश इंटू आई वन। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 80 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 80 डिग्री। एक मिनट इसको सेट कर लो, देखने लगे मुझे भी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 80 डिग्री। व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन बेंजीन। अब देखो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट बी आपको दिया है, यहां पर तुम देख रहे हो कि टी नॉट बी आपको यहां दिया है 80 डिग्री, टी एफ बी दिया है 85.12, तो डेल्टा टी बी दिया है 85.12 माइनस 80 इज 5.12। अब कौन सा सोल्यूशन लिया तुमने, वन मोलर, तो तुमने लगाया डेल्टा टी बी इज के बी एम डैश आई वन। अब ये है 5.12, के बी एम डैश की वैल्यू वन है और बेंजीन के अंदर सभी नॉन इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम है, तो तुम्हारी के बी की वैल्यू आ गई है 5.12। अब वो बोल रहा है कि तुम इसका क्या निकालो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अब तुमको देखो फॉर्मूला ये लगाओ, के बी इज आर टी नॉट बी का होल स्क्वायर एम टू डेल्टा एच नॉट वेपोराइजेशन इन 2000। अब तुम्हारे पास के बी है 5.12, अब तुमको डेल्टा एच नॉट वेपोराइजेशन निकालना है, ये तो हो गया 1000। अब आर की वैल्यू देखो, अब परेशानी आएगी आर, तुम आर की वैल्यू रखो 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, आर की वैल्यू तुम रखोगे 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। आर की एक वैल्यू तो मैंने तुम्हें एटमॉस्फेयर लीटर में सिखाई थी, पर अभी तुमको यहां पे आर की वैल्यू किस में रखनी है, जूल्स पर केल्विन पर मोल। तो टी नॉट बी हो गया 80 प्लस 273 353 का स्क्वायर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब मॉलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन कितना है, मॉलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन होगा 78, मॉलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन होगा 78। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा, ये तुम्हारे पास आ जाएगा डेल्टा एच नॉट वेपोराइजेशन। तुम यहां समझो, इस क्वेश्चन में पहले तुमने के बी निकाला, के बी से तुमने हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो मैंने तुम्हें शुरू में जो क्वेश्चन दिया उसमें दोनों फॉर्मूले यूज हो। अब थर्ड क्वेश्चन तुमसे बन जाए, थर्ड बन जाएगा, फोर्थ बन जाएगा, एक बार ट्राई करो। अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में, जब हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन डाउट्स में, देखो नेक्स्ट क्लास विल बी अ डाउट सॉल्विंग क्लास, क्योंकि अब हमारी एक ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बची है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हमें एक क्लास चाहिए जहां ये चैप्टर कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर, तो उसके पहले मैं डाउट सॉल्व। अगर तुम ये क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे, तुम्हारे पास 40 क्वेश्चन का होमवर्क है, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और एग्जाम में यहाँ पे न्यूमेरिकली आना है, फैक्ट जो आना है वो तो बहुत छोटे, देखो फैक्ट जो आने हैं वो तो बहुत छोटे हैं, मैं तुमको बताया जो अगर फैक्ट आने हैं तो वो इतने से, या कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन देखो, अगर तुम फैक्ट की बात करोगे तो फैक्ट बहुत कम आने हैं। यहाँ देखो इतने क्वेश्चन सारे इन दो तीन फॉर्मूले से ही होंगे, एक ये वाला है, अगर एलिवेशन है तो इससे, और डिप्रेशन है तो इससे होगा। तो तुम एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। समझ में आया तुमको ये सत्येन? यस यस सर। शिवम समझ में आया? चलो यस सर। आयुष नगर ये समझ में आया? अब मैं क्लास को आज यहीं रोक रहा हूँ, छोटी कर दी क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ाया था, थ्योरी की क्लास है, नेक्स्ट क्लास भी अपनी थ्योरी की रहेगी ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पहले हम क्वेश्चंस के डाउट्स डिस्कशन करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास विल बी अ डाउट सॉल्विंग क्लास। मैं इसके नोट्स तुम्हारी ऐप पे शेयर कर रहा हूँ, इस लेक्चर को मैं एज इट इज विदाउट एनी एडिटिंग
यूट्यूब पे शेयर करूंगा, जिससे अगर तुमको कभी कुछ रिवाइज करना है तो तुम वहां पर देख सकते हो। तो चलिए मैं क्लास को रोक रहा हूँ, अपना ध्यान रखना है और अच्छी तरह से पढ़ाई करनी। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट सर। थैंक यू सर।